गुड मॉर्निंग यहाँ साइंटिफिक इंग्लिश है तो देखिए साइंटिफिक इंग्लिश इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशंस साइंटिफिक इंग्लिश इंग्लिश का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है जिनको साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है और पब्लिकेशंस के लिए यूज किया जाता है ठीक आगे देखिए इट हैज सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स डेट सेट इट अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी इंग्लिश ये साइंटिफिक इंग्लिश के पास एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होता है जो कि बाकी लोगों के इंग्लिश से अलग होता है साइंटिफिक इंग्लिश इज अ सबसेट ऑफ एकेडमिक इंग्लिश एंड इज द इंग्लिश यूज बाई दोज इस्टिंग साइंटिफिक फीचर्स और सब्जेक्ट्स बायोलॉजी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स साइंटिफिक इंग्लिश एकेडमिक इंग्लिश का एक सबसेट होता है और साइंटिफिक फीचर्स साइंटिफिक सब्जेक्ट की स्टडी के लिए इसको यूज किया जाता है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स भी आते हैं जिसमें साइंटिफिक इंग्लिश का यूज किया जाता है ठीक हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक इंग्लिश साइंटिफिक इंग्लिस का हिस्ट्री क्या है द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक इंग्लिश इज क्वाइट इंटरेस्टिंग साइंटिफिक इंग्लिश का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है साइंटिफिक कम्युनिकेशन हैज़ बीन इवॉल्विंग फॉर सेंचुरीज एंड यूज ऑफ इंग्लिश इन साइंटिफिक डिस्कोर्स हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम ओवर टाइम देखिए साइंटिफिक इंग्लिश में जो साइंटिफ़िक कम्युनिकेशन होता है वो सदियों से चली आ रही है और इंग्लिश को एक साइंटिफिक डिस्कोर्स के लिए इसको यूज किया जाता है इन द अर्ली डेज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी साइंटिफिक डिस्कवरी के शुरुआती शुरुआत के दिन में लैटिन वाज डोमिनेट लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कम्युनिकेशन साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए लैटिन लैंग्वेज को एक डोमिनेंट लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता था During the seventeenth and eighteenth century, seventeenth or eighteenth century Kedoran, English scientists and philosophers like Isaac Newton and Robert Boyle made significant contributions to scientific knowledge and their works were written in English. देखिए सेवनटीन और एटीनथ सेंचुरी के दौरान इंग्लिश साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स जैसे आइजिक न्यूटन और रॉबर्ट बॉयल इन सब ने जो है साइंटिफिक नॉलेज और वर्क के लिए इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया ठीक और कई सारे नए नए इन्वेंट का डिस्कवर भी किया नेक्स्ट देखिए इन द ट सेंचुरी ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन कंटिन्यूड टू ग्रो विद द राइज ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्फ्रेंस देखिए ट्वेंटी सेंचुरी में जो इंग्लिश का डोमिनेंस है साइंटिफिक कम्युनिकेशन में जो इंग्लिश का डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू ग्रो करता गया साइंटिफिक जर्नल्स का विकास हुआ ग्रो हुआ और इंग्लिश स्पीकिंग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और कॉन्फ्रेंस भी कई सारे आए ठीक साइंटिफिक लैंग्वेज पर फोकस करने के लिए इन द नाइनटीन सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉड एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाइन्टीन सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इनका एडवांसमेंट्स हुआ नाउ टुडे इंग्लिश इज कंसिडर्ड द लिंगवा फ्रेंका ऑफ साइंस आज जो है इंग्लिश को एक लिंगवा फ्रेंका ऑफ साइंस के रूप में कंसिडर किया जाता है विद द मेजॉरिटी ऑफ साइंस आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश और जहाँ पर इंग्लिश में मेजॉरिटी रूप से साइंस के आर्टिकल्स को पब्लिश किए जाते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक इंग्लिश इज अ टेस्टामेंट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एडवांसिंग साइंटिफिक नॉलेज देखिए साइंटिफ़िक इंग्लिश की हिस्ट्री की बात किया जाए तो ये एक, एक ये टेस्टामेंट है जो कि जो साइंटिफिक नॉलेज के एडवांसिंग में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को जोर देता है इट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंग्लिश लिटरेचर साइंटिफिक इंग्लिश ने एक इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया है अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक इंग्लिश साइंटिफिक इंग्लिश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइंटिफिक इंग्लिश हैज़ सेबरल फीचर्स डेट सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश साइंटिफिक इंग्लिश के कई फीचर कई फीचर्स हैं जिनको इंग्लिश की फॉर्म्स इंग्लिश के अदर फॉर्म्स से अलग तरीके से यूज किया जाता है या रस्म की फीचर्स यहाँ पर कुछ की फ़ीचर्स हैं एक तो प्री सीजन देखिए फिक इंग्लिश एम्स टू बी प्रिसाइज देखिए साइंटिफिक इंग्लिश का एम क्या है प्रिसाइज करना चीज़ों को प्रिसाइज करना चीज़ों को स्पेसिफिक बनाना यूजिंग टेक्निकल टर्म्स एंड वो कैबलरी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन एकटली टेक्निकल टर्म और वो कैबलरी का यूज करते हुए ताकि इन्फॉर्मेशन को वो सही सही रूप से कन्वे कर सके क्लैरिटी सेकेंड फीचर क्या क्लैरिटी साइंटिफिक इंग्लिस ऑन क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग अवॉइड अवॉइडिंग एम्बिगटी एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। साइंटिफिक इंग्लिश क्लियर और कंसाइज राइटिंग पर फोकस करता है और ये एम्बिगिटी यानी कि अस्पष्ट एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करता है द यूज ऑफ जॉर्ज इज कॉमन जॉर्जान का यूज़ करना एक कॉमन हो गया है बट शुड बी एक्सप्लेंड वन नेसेसरी लेकिन एक्सप्लेन भी करना चाहिए चीज़ों का एक्सप्लेन भी किया जाना चाहिए जब जरूरत हो जाए तो बाकी चीज़ों को कंसाइज मैटर में रखा जाता है साइंटिफिक इंग्लिश में नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिविटी नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्टिविटी साइंटिफिक इंग्लिश इम्फेसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड नेचुरलिटी साइंटिफिक इंग्लिश ऑब्जेक्टिविटी और नेचुरलिटी पर जोर देता है इट इज रीजनिंग एंड अवॉइड पर्सनल ओपिनियन एंड बेसिस ये रीजनिंग टाइप का होता है और जो है पर्सनल ओपिनियन या बेसिस को अवॉइड करता है फॉर्मेलिटी इट फॉलोज अ फॉर्मल राइटिंग स्टाइल फॉर्मेलिटी मेन्स ये है कि ये फॉर्मल राइटिंग स्टाइल को फॉलो करता है साइंटिफिक इंग्लिश जहाँ पर स्टैंडर्ड ग्रामर का यूज किया जाता है पंचुएसन का और सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है एंड आल्सो पैसे वॉइस यूज इन रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस में पैसे वॉइस का यूज किया जाता है आर्गेनाइजेशन नेक्स्ट फीचर है आर्गेनाइजेशन साइंटिफिक राइटिंग टिपिकली फॉलोज आई स्ट्रक्चरल फॉर्मेट इंट्रोडक्शन मैथड्स रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन साइंटिफिक इंग्लिश जो है टिपिकली रूप से एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट का को फॉलो करता है स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन मेथड रिजल्ट्स डिस्कशन सेक्शन इन सबको रखा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक इंग्लिश साइंटिफिक इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक इंग्लिश प्लेज आ क्रूशल रोल इन द फील्ड्स ऑफ इंग्लिश स्पेसिफिक लैंग्वेज स्टडीज देखिए साइंटिफिक इंग्लिस जो है इंग्लिश स्पेसिफिक लैंग्वेज स्टडीज के फील्ड में बहुत ही क्रोशियल क्रूशियल रोल प्ले करता है इट अलाउज रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स टू कम्युनिकेट दियर फाइंडिंग्स थ्योरीज एंड एनाज एनालिस रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर बुक्स पोएम्स एंड प्लेज साइंटिफिक इंग्लिश जो है रिसर्चर्स स्कॉलर्स को अलाउज करता है कि वो अपने फाइंडिंग्स के साथ जो भी उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया थ्योरी या एनालिसिस किया उन सबको जो है कम्युनिकेट करें इंग्लिश लिटरेचर के साथ बुक के थ्रू पोएम के थ्रू या प्लेज के थ्रू तो ये है साइंटिफिक इंग्लिश इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये एक ओवर है साइंटिफिक इंग्लिश रिक्वायर्स प्रिसाइज लैंग्वेज टू इंश्योर डेट द इंटेंडेड मीनिंग इज कन्वेड अकूरेटली साइंटिफिक इंग्लिश जो एक प्रिसाइज लैंग्वेज को रिक्वायर करता है ये इंश्योर करने के लिए कि इंटेंडेड जो मीनिंग है वो सही है सही कन्वे किया गया या गलत सही सही रूप से कन्वे होना चाहिए अवॉइड वेग और एम्बिग्यस लैंग्वेज एम्बिग्यस लैंग्वेज अस्पष्ट लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए एंड यूज प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब योर रिसर्च फाइंडिंग्स और अपने रिसर्च को फाइंड्स रिसर्च फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो है प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए वन ग्रोइंग रीजन इज टू डेवलप अ करियर अ करियर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च साइंटिफिक इंग्लिश की ग्रो होने का एक रीजन ये है कि साइंस और रिसर्च के फील्ड में करियर को डेवलप करना इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस वर्ल्ड देखिए यहाँ पर इंग्लिश जो है साइंस वर्ल्ड की एक लैंग्वेज बन गई है एंड आ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज और लैंग्वेज की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी

प्रिसाइज एंड कौन कंसिस्टेंट जब लोग साइंस के फील्ड में इंगेज हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में जो भी वो बोलते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो और कंसिस्टेंट हो उनकी लैंग्वेज सेंस ऑफ़न इंट्रोड्यूसेज टेक्निकल वर्ड्स विद स्पेसिफिक मीनिंग एंड आल्सो गिव्स साइंटिफिक मीनिंग टू वर्ड्स डेट मे हैव डिफरेंट यूसेज इन एवरी डे लैंग्वेज अब देखिए साइंस जो है अक्सर टेक्निकल वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करता है इस्पेसिफिक मीनिंग के साथ में जो कि एक साइंटिफिक मीनिंग दे वर्ड का क्लियर है और मोस्ट वर्ड्स डेट रिफ़र टू साइंस कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम लेटिन वर्ड देखिए ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो कि साइंस कॉन्सेप्ट से रिफ़र करते हैं वो जनरली लेटिन लैंग्वेज से ही आए हुए हैं समाप्त लेटिन वर्ड्स ओरिजिनली कम फ्रॉम ग्रीक र फ्रॉम अरेबिक कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं ओरिजिनली ग्रीक से होते हैं जो कि अरेबिक होते हैं बट इट इज़ द मोर मॉडर्न लैटिन फॉर्म्स डेट बी यूज टूडे लेकिन ये जो है लैटिन फॉर्म्स हैं मॉडर्न जिनको हम यूज करते हैं साइंस वर्ड्स टेंड टू स्टे इन लैटिन साइंस वर्ड्स जो हैं लैटिन को कंटेन करके रखता है रिगार्डनेस रिगार्डनेस ऑफ वाट लैंग्वेज इज यूज इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ देखिए इंग्लिश इज अनडाउटली द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस देखिए यहाँ कोई इसमें डाउट नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन ऑफ इंटरेक्शन साइंस के लिए जो है प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश काम करती है विद एस्टिमेटेड नाइंटी एट परसेंट ऑफ ऑल साइंटिफिक पब्लिकेशंस बीइंग रिटेन इन द लैंग्वेज और जो एक एस्टिमेट में पाया गया है कि लगभग अट्ठानबे परसेंट साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो हैं इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं इंग्लिश इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ साइंस डेट है फॉलोइंग देखिए इंग्लिश को जो है साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में वाइडली कंसिडर किया जाता है कि इसके पीछे का कई सारा रीज़न है क्योंकि साइंस के डिफरेंट सेक्टर में इंग्लिश को यूज किया जाता है जैसे कि इन रिसर्च फील्ड रिसर्च फील्ड में कंप्यूटर साइंस के फील्ड में सोशल साइंस के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री जो है एंड साइकोलॉजी के फील्ड में इन सब के फील्ड में जो है इंग्लिश का यूज किया जाता है